कौशाम्बी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में छापा मारकर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर वहां तमंचे, खोखा, कारतूस व बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया, थाना पश्चिम शरीरा इंचार्ज भवानी सिंह माए हमराहियों के साथ क्षेत्र के चकगुरैनी में छापा मारा, जहां से मोतीलाल चंद्र भवन राजेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहां से तीन तमंचा, कारतूस, खोखे, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। इन आरोपियों के ऊपर थाने में पहले भी आयुध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत है। इसी प्रकार थाना मोहब्बतपुर पैंसा क्षेत्र में ट्रक से लूट हुई थी, उसमें नन्हे यादव से पूछताछ में तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें थाना क्षेत्र के सुभाष पटेल, मनोज कुमार से पूछताछ में टाटा मैजिक 24 पीस केबल 315 बोर तमंचा बरामद हुआ। सभी आरोपियों को लिखा पढ़ी कर चालान न्यायालय में भेजा। बड़ा 25 की रात्रि में एक जनपद फतेहपुर के खागा क्षेत्र में एक टाटा मैजिक, जो छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है, इस ट्रक की लूट हुई थी, जिसमें सुप्रीम फर्नीचर, जो प्लास्टिक का फर्नीचर आता है, ये लदा हुआ था और कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इसको लूट लिया गया था। लूटने के बाद में जो ड्राइवर है उसको जनपद कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पैसा थाने में फेंक दिया गया था और उसकी जैसे सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने इसका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद में पूरी पूछताछ की गई थी और जनपद खागा, जो जनपद फतेहपुर में जो खागा थाना क्षेत्र है, वहाँ पर ले जाकर सारी चीज़ों की जानकारी की गई तो ये पता चला कि इनके साथ में लूट हुई है और उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया 394 और 392 IPC के तहत। इसी में दिनांक 1/6/2022 को एक नन्ना यादव नाम के एक अपराधी को थाना मोहब्बतपुर पैसा में पकड़ा गया। उसी से जब पूछताछ की गई डिटेल में, तब ये जानकारी मिली कि चार लोगों ने मिलकर ये जो टाटा मैजिक है इसको लूटा था, जिसमें उसकी निशानदेही में तीन लोगों को आज इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक सीबू पुत्र ताजुद्दीन, ये जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इसके अलावा सुभाष पटेल और मनोज कुमार, ये मोहब्बतपुर पैसा थाने के रहने वाले हैं। इन तीन लोगों को आज पकड़ा गया और इन तीन लोगों को पूछताछ के बाद माध्यम से इनके पास से टोटल 34 जो टेबल है प्लास्टिक की, वो बरामद हुई है और 259 जो प्लास्टिक की चेयर है ये बरामद हुई है। और इसके अलावा एक 315 ओवर का जो तमंचा है इनके पास से मिला, एक इसमें 315 ओवर का जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है और साथ ही जो टाटा मैजिक जो गाड़ी थी वो इनके पास से बरामद हुई है। और जो इनका जो एक साथी जो 1 तारीख को अरेस्ट हुआ था, उसके पास से जो लूट के दौरान में जो इनके द्वारा जो वाहन का प्रयोग किया गया था, बलेनो गाड़ी थी मारुति सुजुकी की, वो उसके पास से बरामद हुई थी और उसके पास से भी तमंचा मिला था और मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो आज इस तरीके से ये जो लूट की जो घटना उदंकारित हुई थी, इसका अनावरण किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी है उनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो माल लूटा था वो 70% बरामद हुआ है। और इसमें हमारी जो SOG की टीम है और थाना मोहब्बतपुर पैसा की जो टीम है, इसने मिलकर काम किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इसमें पुरस्कार दिया। लेकिन दिनांक 24 और 25 की रात्रि में जनपद फतेहपुर के खागा से एक छोटा हाथी, जो मैजिक ट्रक, टाटा मैजिक ट्रक था, इसके अंदर फर्नीचर था प्लास्टिक का, इसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास में अज्ञात लुटेरों के द्वारा वहाँ से लूट लिया गया था और जो ड्राइवर है उसको थाना मोहब्बतपुर पैसा जनपद कौशाम्बी में उसको फेंक दिया था। पुलिस को जैसे जानकारी मिली इनका इलाज कराया गया और इलाज कराने के बाद उनसे डिटेल जानकारी की गई और जनपद के बाद देखिए थाना पश्चिम सरीरा के अंतर्गत ग्राम चक गुरैनी से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम मोतीलाल पुत्र देशराज है, एक चंद्र भवन पुत्र इंजीत है, राजेश कुमार मोतीलाल, इन तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 3 अदद तमंचा, जिसमें से 2 तमंचा 315 बोर का है और 1 12 बोर का है, 6 अदद जिंदा कारतूस, जिसमें 2 अदद 315 के हैं और 4 12 बोर के कारतूस हैं, 8 खोखा कारतूस मिले हैं जिनमें से 2 315 के हैं और 6 12 बोर के हैं। इसके अलावा शस्त्र बनाने की जो सामग्री जिसमें खराब है और ड्रिल मशीन है, जो पंखा है, स्टैंड, तमंचे की नाल और तमाम जो आनी जो सामग्री होती है जो तमंचे बनाने के लिए काम में आती है, इनके पास से बरामद हुई है। और एक इनके पास में एक अड्डा भी बरामद हुआ है, जो कि छोटा हथियार होता है, मीडियम साइज का जो तमंचे जो है ये इनके पास से बरामद हुआ है और जो पूरा जो बनाने का जो सामान है वो बरामद हुआ है। और इन लोगों द्वारा ऑन डिमांड ये लोग शस्त्र बना के और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को भेजते थे, आज ये गैंग का पूरी का इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध
3/25 और 5/25 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। और इस कार्य के लिए जो थाना पश्चिम सरेरा की जो टीम है इसको मेरे द्वारा 10,000 रुपये। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT Live TV। नमस्कार।